हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने घर बैठे सीसीटीवी कैमरा कैसे बना पाएंगे, वो भी अपने मोबाइल को। तो गाइस, आज मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक आपको बराबर एक सीसीटीवी कैमरा बनाना सिखाऊंगा, वो भी अपने मोबाइल से। मान लीजिए ये वाला मेरा फ़ोन है, बस आपका फ़ोन थोड़ा बहुत चलता होना चाहिए, उसका कैमरा भी सही होना चाहिए। तो मान लीजिए ये वाले फ़ोन को मुझे सीसीटीवी कैमरा बनाना है, तो इसमें मुझे एक एप्लीकेशन को रन करना पड़ेगा, और ये वाला फ़ोन है इसमें भी एक एप्लीकेशन को रन करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली आपको बता दूंगा कौन कौन से एप्लीकेशन है। तो गाइस चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट स्टार्ट द वीडियो। माय नेम इज जितेंद्र राजपूत, आप देख रहे हैं जेडी टेक्निकल यूट्यूब चैनल। यदि गाइज आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट ट्रिक लाता रहता हूं। तो गाइज सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो सिंपली आपको यहां अपने इस वाले मोबाइल में ये वाला कैमरा बनाना है। तो आपको ध्यान से सुनिए, ये वाला कैमरा आपको ये वाला मोबाइल सीसीटीवी कैमरा बनाना है। तो आपको सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है और एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ सर्च बार पर सर्च करना है एट होम वीडियो स्ट्रीमर। तो आपको सिंपली ये वाले एप्लीकेशन आ जाएगा, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ। आप इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपसे कुछ परमिशन मांगे, तो सिंपली आपको कुछ परमिशन दे देनी है। तो सिंपली मैं यहाँ पे परमिशन दे रहा हूँ। तो आपके सामने यहाँ पे ये वाला फ़ोन का काम हो गया। मान लीजिए अभी ये वाला मेरा फ़ोन है, जो मतलब ये वाली या मतलब ये वाला तो सीसीटीवी कैमरा बन गया। अब इसको मुझे लाइव देखना है इस वाले मोबाइल में, तो आपको यहाँ भी एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको इसमें प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको एट होम कैमरा लिखना पड़ेगा। इस वाले फ़ोन में जो ये वाला फ़ोन देख रहे हैं, इसमें ये वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल किया, इसमें ऊपर वाला इंस्टॉल करना है। तो मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ, आप भी इंस्टॉल कर लीजिए। और सिंपली आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, कुछ परमिशन मांगेगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे परमिशन दे देनी है। अब आपका काम पूरा हो गया। सिंपली आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे जनरेट क्यूआर कोड लिखा दिख रहा है, तो आपको सिंपली इसको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे क्यूआर कोड दिखाई देगा, तो आपको सिंपली इस वाले फ़ोन से, तो सिंपली आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐड कैमरा वाई क्यूआर कोड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद परमिशन मांगे, आपको सिंपली अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको सिंपली यहाँ बार कोड स्कैन कर देना है। बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ, आप लाइव देख लीजिए। स्कैन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे टैप करना है। टैप करने के बाद आप बिल्कुल लाइव देख पाएंगे कि आपके बाहर क्या हो रहा है। देखिए ये वाला फ़ोन ये रख दिया मैंने, ये आप देख रहे हैं इसमें, देखो इसको मैं घुमा रहा हूँ, आप सीसीटीवी कैमरा बनके तैयार है। इसमें आवाज़ भी आती है, आपको रिकॉर्ड वाला ऑप्शन भी मिलता है, आप यहाँ से सिंपली रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो सिंपली आप यहां से म्यूट भी कर सकते हैं, और इसको जो वाला कैमरा है, तो आप इसको पीछे वाला कैमरा और फ्रंट वाला कैमरा भी बना सकते हैं, तो आप इससे चोर को पकड़ सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, यदि ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइज आपको इस दोनों ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो मैंने बता दिया आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं इस ऐप की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर जाइए आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को वहाँ पर सपोर्ट कीजिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।